चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन पोलैरिटी आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज कैपिटल एफ। इफ 75% चार्ज ऑफ वन इज ट्रांसफर टू अनदर देन द फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम। सबसे पहले देखो, एक चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है। कह रहे ना, टू चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन पोलैरिटी, प्लस क्यू माइनस क्यू अपोजिट पोलैरिटी हो गया, सर्टेन डिस्टेंस पर रख दिए गए हैं, स्मॉल आर डिस्टेंस पर रख दिए गए हैं, तो 75% कह रहा है। और इन दोनों के बीच का फोर्स की वैल्यू कितनी है, इनिशियली फोर्स की वैल्यू एफ है और उस एफ की वैल्यू क्या है, के के क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। अब हो क्या रहा है कि 75% चार्ज ऑफ ट्रांसफर किया जा रहा है, इसमें से मान लो इसमें चला गया 75%, तो क्यू का माइनस क्यू का 75% कितना हुआ, माइनस थ्री क्यू बाई फोर हुआ, यानी माइनस क्यू बाई फोर बचा रह गया, इसमें 75% चला गया इधर, तो प्लस क्यू में माइनस थ्री क्यू बाई फोर चला जाएगा, कितना आएगा, क्यू बाई फोर आ जाएगा, प्लस क्यू बाई फोर, यानी ये चार्ज हो गया प्लस क्यू बाई फोर, ये चार्ज रह गया माइनस क्यू बाई फोर। अब फाइनल फोर्स कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा स्मॉल आर, तो फाइनल फोर्स क्यू बाई फोर माइनस क्यू बाई फोर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो नया फोर्स कितना हो जाना चाहिए लॉजिकली, इसमें माइनस, ठीक है, क्यू बाई फोर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई सिक्सटीन अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर एफ की वैल्यू कितनी थी, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, मैं निगेटिव को भूल गए, हम निगेटिव को यहाँ यूज नहीं कर रहे, तो ये 1 बाई सिक्सटीन के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यही है एफ की वैल्यू, तो 1 बाई सिक्सटीन एफ हो गया ना, एफ फाइनल की वैल्यू 1 बाई सिक्सटीन किस में हो रहा है, 1 बाई सिक्सटीन पहला वाला ऑप्शन है, करेक्ट है, एफ बाई सिक्सटीन, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।